भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 56,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। इनमें से 37,916 मरीजों का इलाज जारी है, 16,540 लोग ठीक हुए हैं, 1,886 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात काफी गंभीर है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कुल 17,974 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 694 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3301 लोग यहां ठीक हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। लगातार देश भर में कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,000 को पार कर चुकी है। 1800 से ज्यादा लोगों की मौत देश भर में हो चुकी है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं और सबसे अधिक मार महाराष्ट्र को झेलनी पड़ रही है। आंकड़ों में बढ़ोतरी लगातार हमें देखने को मिल रही है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रीत, देखिए तमाम एहतियात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े लगातार बढ़ते हुए, क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, तमाम एहतियात के बाद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और एम्स के जो डायरेक्टर जो निदेशक हैं उनकी तरफ से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि खुद पर्सनली जो कोरोना के पेशेंट्स हैं देश भर के उन पे निगरानी रखी हुई, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जून और जुलाई जो है भारत में कोरोना का पीक समय होगा, ऐसे नए मामले लगातार बढ़ेंगे और उसको राज्यों को केंद्र सरकार को लोगों को मिलकर कंट्रोल करना होगा क्योंकि अब पीक समय आने का पीक जो है कोरोना के पेशेंट्स देखने को मिलेंगे और इस समय कंट्रोल अगर भारत ने कर लिया तो बाकी देशों के मुकाबले चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, इटली हो, उन सबसे बेहतर तरीके से भारत परफॉर्म कर पाएगा कोरोना को कंट्रोल करने के मामले में। जी बिल्कुल प्रीत किरण, ऐसे में लोगों को ज्यादा सब्र रखने की जरूरत है क्योंकि अभी तक जितना सब्र लोगों ने रखा है उसके बाद जब मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू है तो यहाँ पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं इस गलत फहमी में कि कोरोना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सब्र रखकर बहुत एहतियात लोगों को बरतने की जरूरत है। बिल्कुल मनीषा, इसी मुद्दे को आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उठाया, कांग्रेस के नेता, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रैटेजी बना के काम करनी होगी, केवल पीएमओ और प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को देश में नहीं संभाल पाएंगे, इस पूरी सत्ता जो है उसको विकेंद्रीकरण करना होगा, डीएम को, जिला अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को भी बराबर जो अधिकार है वो देने होंगे क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जो कि मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। वो लोग जो लॉकडाउन की समस्या से जूझ रहे हैं, वो लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं पूरी इंफॉर्मेशन के बिना, या वो लोग जो बहुत ज्यादा पूरी तरह डरे हुए हैं, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बेहद जरूरी है। आगे की रणनीति बनाना होगा और लॉकडाउन के बाद किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बेहतर स्थिति में जा सकता है, इस पे एक रणनीति बना करके काम करना होगा। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनसे प्रधानमंत्री को सलाह लेनी होगी, उनको भी फैसले लेने की आजादी देनी होगी। जी बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है।